अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काली मिर्ची का तला हुआ गोश्त। तो देखिए, हमारे पास ये आधा किलो गोश्त है और ये हमारे पास काली मिर्ची का पाउडर है और ये 2 टीस्पून है ये काली मिर्ची का पाउडर और 1.5 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ और 2 टीस्पून धनिया पाउडर है और हम अपने हिसाब से इसमें चाट मसाला डालेंगे और ये 100 ग्राम दही है और बाकी के मसाले हम बाद में बताएंगे। चलिए हम ये सारे मसाले एक कुकर में मिला देंगे। तो हम सब में पहले इसमें गोश्त डाल देंगे। हमने गोश्त को अच्छे से वॉश कर रखे थे। देखिए, हम इसमें अपने हिसाब से नमक डालेंगे। इसमें हम दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च 1.5 टीस्पून डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा तीखा लगता है तो आप हरी मिर्ची बढ़ा ले। 1/2 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। ये जो हमारे पास मसाले हैं, हम ये पूरे नहीं डालेंगे, हम ये आधे आधे गोश्त गलने में डालेंगे। जब भुनेंगे तो हम ये आधे मसाले डालेंगे। देखिए, हम ये 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून हम काली मिर्ची डालेंगे क्योंकि ये काली मिर्ची का ही गोश्त है तो हम ये काली मिर्ची इसमें ज़्यादा जाएंगी। और ये धनिया पाउडर हम पूरा डाल देंगे। 2 टीस्पून है, हम ये 2 टीस्पून डाल देंगे। ये हम 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और हम ये 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और देखिए, हमारे पास ये 100 ग्राम दही है तो हम इसमें का ज़रा सा दही बचा लेंगे क्योंकि इसमें हम नींबू भी डालेंगे। और हम ये 2 चम्मच भरकर ऑयल डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये गोश्त का और दही का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें पानी अपने हिसाब से ही डालना है। और अगर आप नहीं भी डालें तो चलेगा क्योंकि गोश्त का और दही का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसमें ज़रा सा पानी डालूँगी। देखिए, हमने एक जार में मिर्ची पीसे थे, हम वही जार में पानी डालकर इसमें डाल देंगे। ऐसे अच्छा सा मिक्स कर ढक्कन लगा कर रख देंगे। हम ये गोश्त गलने तक के इसे रख देंगे। देखिए, फिर हम ये कुकर का ढक्कन लगा कर इसे गैस पे 10 से 15 सीटी आने तक के रख देंगे। अब हम गैस चालू करेंगे। देखिए, हमारी 10 से 15 सीटी हो चुकी है। अब हम गैस बंद करेंगे और हम चेक करेंगे हमारा गोश्त कितना गला। देखिए, अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। देखिए, हमारे मसाले भी अच्छे, इसमें जो हमने मसाले डाले थे वो भी अच्छे से भून चुके हैं और इसका तेल भी पूरा सेपरेट हो चुका है और हमारा गोश्त भी देखिए अच्छे से गल चुका है। देखिए, हमारा गोश्त देखिए बहुत ही अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब हम देखिए गैस चालू करेंगे और जो बचे हुए गरम मसाला वो था तो हम इसमें डालकर भून लेंगे। देखिए, हमारा जो बचा हुआ गरम मसाला था हम वो भी डाल देंगे और हम ये 1 नींबू का रस है हम वो भी डाल देंगे और ये हमारे पास जो बचा हुआ काली मिर्चों का पाउडर था हम वो भी डाल देंगे। और देखिए, हमारे पास ये कड़ी पत्ता है, हम एक पूरी काढ़ी कड़ी पत्ते की इसे निकाल कर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छा सा भून लेंगे। देखिए, हमें जो मसाले और कड़ी पत्ता हमने डाले थे वो भी अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए, हमारी काली मिर्ची का तला हुआ गोश्त बनकर तैयार हो चुका है और आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी कैसे बनी।